अमूमन हम और आप ऐसा सुनते हैं कि जहरीले सांप के काटने से इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके थूक से ही किसी इंसान या जानवर की मौत हो सकती है। दरअसल दिल्ली में रहने वाले शख्स के रगरग में खून की जगह ऐसा जहर दौड़ रहा है जो किसी दूसरे इंसान के संपर्क में आते ही जानलेवा साबित हो सकता है। पश्चिमी दिल्ली के शादीपुर इलाके में रहने वाले 30 वर्षीय मनोज को पहले तो नशे का शौक था, धीरे धीरे ये शौक एक खतरनाक लत में बदल गया और ये लत इतनी ज्यादा हो गई कि शराब से लेकर खतरनाक ड्रग्स तक ने उसके शरीर पर असर करना बंद कर दिया। अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन और डोडा जैसे खतरनाक ड्रग्स ने भी जब मनोज के शरीर पर असर करना बंद कर दिया तब उसने सांपों से जहर लेना शुरू किया। आपको बता दें कि मनोज को ये लत कम उम्र में ही लग गई थी और इसका असर ये हुआ कि जब मनोज के पूरे शरीर में खून जहर बन चुका है, यहाँ तक कि अब उसकी थूक भी इतनी विषैली हो चुकी है कि अगर कोई उसके संपर्क में आ जाए तो उसकी मौत हो जाए। अपनी इस आदत से परेशान होकर मनोज जब राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों को भी ये जानकर हैरानी हुई कि उसका पूरा खून जहरीला हो चुका है। हालांकि डॉक्टर इस बात से थोड़े हैरान भी हैं क्योंकि मनोज ऐसा पहला मरीज है जो खुद ये कबूल कर रहा है कि उसने किस तरह का नशा किया है, लेकिन मनोज ने अब तक ये नहीं बताया है कि आखिर उसे सांपों का जहर कहाँ से मिलता है। खैर, मनोज की कहानी से ये बात तो साफ है कि दिल्ली में एक ऐसा रैकेट काम कर रहा है जो युवाओं को सांप के जहर जैसा खतरनाक नशा उपलब्ध करा रहा है, और एक रिपोर्ट के अनुसार इस बात की भी खबर है कि कुछ लोग सांपों के जहर के साथ साथ उसे डंक मरवाकर भी नशे का शौक पूरा करते हैं। ऐसे नशेड़ी लोगों में मनोज के कुछ दोस्त भी शामिल है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अभिलाष की रिपोर्ट।